कृष्णा, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं नैवेद्य की थाली, जिसमें हम प्याज और लहसुन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हो। ये फुल क्रीम का दूध लिया है मैंने, इसे अच्छे से गर्म किया है मैंने। मैंने इसे अच्छे से 15-20 मिनट गर्म करके रखा है। इस पर अच्छी मलाई आ चुकी है, इसे हम अच्छे से हलाएंगे। एक कढ़ाई रखी है मैंने, इसमें मैं 1/2 चम्मच देसी घी डालती हूँ। 1/2 चम्मच देसी घी अच्छे से गर्म होने देना है। ये चावल मैंने धोकर अच्छे से सुखाए हैं। अब ये चावल 2 चम्मच छोटे चम्मच चावल लिए, इसे अच्छे से हमें ब्राउन कलर का भुनना है। अच्छे से ब्राउन कलर का होने तक के हमें इसे लो फ्लेम पे भुनना है। दो तीन मिनट में ये भून जाते हैं। अब हम इसे निकालते हैं और इसे ठंडा करने रखते हैं। अब हम इसे दूध के अंदर डालेंगे ठंडा होने के बाद में, और इसे दूध के साथ अच्छे से उबलने देंगे। तब तक के हम ये कटे हुए आलू, जो मैंने 1/2 किलो लिए हैं सब्जी के लिए, ये हम गर्म करने रखते हैं उबलने के लिए। ये दूध में हमारे चावल अच्छे से पके हैं क्या तो देखते हैं। देखते हैं, हम इसे चेक करते हैं चावल पके हैं क्या। तो ये चावल अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं दूध के अंदर। अब हम इसमें शक्कर डालने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारा दूध अच्छे से रेडी है। अब हम इसमें बड़ी कटोरी शक्कर डालते हैं 2 लीटर दूध के अंदर। आपके हिसाब से जितना मीठा चाहिए उतनी शक्कर डाल सकते हो। मैं एक छोटी कटोरी और शक्कर डालूंगी इसके अंदर, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे शक्कर को 1-2 मिनट के लिए। शक्कर जल्दी घुल जाती है दूध के अंदर, गरम दूध में। अब हम इसमें कसा हुआ नारियल डालेंगे 1 कटोरी। इसे भी अच्छे से हिलाएंगे हम, इसमें मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे मनुका किशमिश डालेंगे 1 कटोरी, छोटी कटोरी। चारुली डालेंगे 1/2 कटोरी। ये धोकर अच्छे से मैंने साफ किए है चारुली को। अच्छे से मिक्स करेंगे दूध के अंदर। अब मैंने 8-10 काजू के टुकड़े काट कर रखे हैं, इसे मिक्स करते हैं दूध में। वैसे ही मैंने बादाम भी 8-10 काट कर रखे हैं, इसे भी मिक्स करते हैं दूध के अंदर। थोड़े से बादाम हम गार्निशिंग के लिए रखते हैं साइड में। इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच कूट कर रखा है मैंने, इसे भी डालते हैं दूध के अंदर। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हम आलू देखते हैं, हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं क्या। तो देखिए, ये आलू अच्छे से पक चुका है, अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये आप देख सकते हो। अब एक मैंने कुकर लिया है बड़े तले का, स्टील का। इसमें हम 2 से 2.5 चम्मच बड़ा चम्मच ऑयल डालते हैं।
गैस मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालते हैं। इसे अच्छे से तड़कने देते हैं तेल में, गरम तेल के अंदर। अब इसमें मैं तेज पत्ते डालती हूँ 2 छोटे। इसे ब्राउन होने देना है। कुछ खड़े मसाले डालते हैं, बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालते हैं, 2-3 हरी इलायची डालेंगे, चार पांच लौंग डालेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्ची के टुकड़े, लंबे कट किए हैं मैंने इसे अच्छे से धोकर साफ करकर। अब हम इसमें फूलगोभी डालेंगे। आप आपके चॉइस की सब्जी डाल सकते हो। फूलगोभी डालना है पूरी। आलू मैंने कट कर धोकर अच्छे से साफ कर रखे हैं। ये आलू 2 बड़े कटे हुए आलू डालेंगे। दो गाजर काट कर साफ कर रखे हैं मैंने, ये भी डाल देंगे। पुलाव के लिए मैंने अच्छे से चावल साफ कर धोकर रखे हैं 20 मिनट पहले। ये अच्छे से हमें मिक्स करना है सब्जियाँ। अब हम इसमें डालते हैं मटर। अब हरी मटर आना बंद हो चुकी है तो मैंने इसे रात में भिगो कर रखे गर्म पानी में मटर। ये मटर अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं सब्जियों में। अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालते हैं 1 चम्मच। उसके बाद में हम लाल मिर्च डालेंगे 1.5 चम्मच। उसके बाद में हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद में हम डालेंगे मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये साफ सुथरे चावल है जो मैंने धोकर रखे हैं 20 मिनट पहले, भिगो कर रखा था मैंने इसे। इसे ऐड करेंगे हम। आप कोई भी चावल ले सकते हो, कोलम, काली मूंछ, HMT, चाहे जो अच्छे चावल होंगे आपके पास आप यूज कर सकते हो पुलाव के लिए। ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं।
आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो ऊपर से इसमें। ये किसवा ताज़ा नारियल मैंने किस कर रखा है, ये नारियल आधा कटोरी डालती हूँ मैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये पानी हमें सिर्फ चावल पूरे इसके अंदर डूबने तक के ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें पुलाव के अंदर। एक बड़ा हम लोटा पानी डाल सकते हैं इसके अंदर माप से, बस थोड़े चावल हमारे इसमें डूब जाए। हम कुकर लगाते हैं, इसमें 2 सीटी निकालते हैं, 90% हमें इसे पकाएंगे। फिर हम इसमें नमक और हरा सांभर डालेंगे। हमारा ये पक चुका है 90%, हम इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार और हरा सांभर डालेंगे, धनिया डालेंगे हरा। अब हम इसे और पकने देंगे 10% के लिए। आराम से मीडियम फ्लेम पे ये पकता है तब तक कि हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं फिर से इसे। आराम से पकने देते हैं तब तक कि हम आलू छीलकर निकालते हैं, आलू का पूरा छिलका उतारते हैं। हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं, पूरे आलू हमें जल्दी से छिलका निकाल कर साफ कर लेना है। ठंडे पानी में जल्दी से निकलते हैं आलू का छिलका। इसी तरह से सभी आलू हमें छीलना है। हमारे आलू तैयार है छीलकर, पूरे अच्छे से निकाल लिए छिलटे हमने। ये 2-3 ककड़ी अच्छे से क्रश करके रखी है, हम ककड़ी का रायता बनाते हैं। 1.5 चम्मच हम तेल डालते हैं छौंकन के लिए। हम दही थोड़ा सा घोट लेते हैं अच्छे से, इसे अच्छे से घोटना है। इसमें 1.5 चम्मच शक्कर डालते हैं दही में। फिर से हमें इसे अच्छे से फेंटना है। 1/2 चम्मच नमक डालते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं, छोटा चम्मच। हरी मिर्च डालते हैं कटी हुई, इसे अच्छे से तड़कने देना है। इसे अच्छे से भूनने के बाद में हम ये छौंकन, पहले हम ये क्रश की हुई ककड़ी दही में ऐड करते हैं। पूरी ऐड करना है दही के अंदर, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें बना हुआ तड़का इसके ऊपर डालना है। जीरा और हरी मिर्ची का तड़का डालते हैं हम इसके ऊपर। यह हमारा रायता तैयार है, हरी ककड़ी का रायता दही के साथ। ये बहुत खाने में टेस्टी लगता है। ये तैयार है, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो ठंडा करने के लिए।
दो चम्मच ऑयल डालते हैं कढ़ाई में गरम करने के लिए। अब हम कैरी का अचार बनाएंगे, झटपट कैरी का अचार। अब मार्केट में नई कैरी आ चुकी है, अब हमें खाने के लिए झटपट अचार बनाते हैं। ये 3 से 4 दिन तक के अचार चलता है। इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च डालते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे, पूरी कैरिया अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब ये रेडीमेड मसाला लिया है मैंने अचार का, हम ये भी मिक्स करेंगे इसके अंदर। इसमें भी कैरिया अच्छे से लटपट हमें मिक्स करना है। ये झटपट अचार खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसका तड़का बनाते हैं। इसमें 1.5 से 2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छे से तड़कने देंगे जीरे के साथ। गैस मीडियम फ्लेम पे है हमारा। अब हमें ये तड़का इस अचार के ऊपर डालना है। ये हम गर्म ही डालेंगे, हमें ये 3-4 दिन के लिए चलेगा हमारा अचार। हमें साल भरे का अचार बनाना पड़ेगा, तब हम उसे पूरी तरह से ठंडा कर ऑयल को डालते हैं अचार के ऊपर। लेकिन ये झटपट अचार है, इसमें गर्म ऑयल भी डाले तो चलता है। ये 4-5 दिन में अचार ख़त्म हो जाता है। आप फ्रिज में भी रख सकते हो इसे ठंडा करने के लिए। पूरा तड़का डालना है हमें इसे अचार के ऊपर। ये चटपटा मज़ेदार अचार हमारा कैरी का तैयार है खाने के लिए। ताज़ी कैरी का अचार बहुत टेस्टी बनता है, आप बना के देखिएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच और ऑयल डालते हैं। 1.5 से 2 चम्मच ऑयल गरम करते हैं कढ़ाई के अंदर मीडियम फ्लेम पे। जीरा डालते हैं 1 चम्मच। आलू की सब्जी बनाते हैं। हींग पाउडर डालते हैं। हरी मिर्च डालते हैं लंबी कटी हुई, धोकर साफ किया है मैंने हरी मिर्च को। इसे अच्छे से तड़कने देते हैं। अब हम इसमें 2-3 टमाटर कटे हुए ये ऐड करते हैं। टमाटर अच्छे से धोकर साफ कर काट कर रखे हैं मैंने। इसे अच्छे से हमें नरम होने तक के तेल के अंदर भूनना है। पूरी तरह से नरम होने तक के हमें टमाटर भूनना है। अच्छे से चलाते रहना है हमें इसे। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 से 2 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर तेल में अच्छे से
2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे। ये पूरा आलू हमें इसमें डालना है मसाले के अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पहले हम मटर डालेंगे, 1 कटोरी मटर। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे है हमारा गैस, इसे उसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है। पूरी सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए हमारी, पूरी मसाले सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ऐसे ही हिलाते रहना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डाल सकते हो इसके अंदर। और थोड़ा डालेंगे पानी। अब हमने 2 आलू बचा के रखे थे, इसे बहुत बारीक तरह से मैश कर ग्रेवी में गाढ़ापन आना चाहिए, इसलिए हम इसे बहुत बारीक अच्छे से मैश कर डालेंगे आलू को। दूसरा आलू भी इसी तरह से मैश कर डालना है हमें, इससे ग्रेवी में अच्छा गाढ़ापन आता है। फिर से हमें 2-3 मिनट अच्छे से सब्जी को पकने देना है। इसका कलर देखिए, थिकनेस देखिए दोस्तों इसकी। सब्जी बहुत अच्छे से बन चुकी है हमारी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। हरा सांबर, हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। हमारी सब्जी बनकर रेडी है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन चुकी है हमारी। अब हमने बेसन लिया है 1 कटोरी, इसके हम पकौड़े बनाएंगे। इसमें 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाला है 1 चम्मच। आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर डाला है और धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। थोड़े सी मैंने अजवाइन क्रश करके डाला है इसके अंदर। अब हम इसमें पानी डालकर भिगा लेंगे अच्छे से, आटे को फेंटेंगे इसे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करना है आटे को पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। यह हमारा पकौड़े का आटा तैयार है। अब हम इसे ढक कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक यह एक कढ़ाई गर्म कर रखते हैं। अच्छा, बड़े पावर पे तेल गर्म करते हैं हमारा। ये 1 मिनट आटे का पेड़ा लिया है, इसे तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं और इसे अच्छे से हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेते हैं इसकी। छोटे साइज की पूड़ियाँ बेलना है हमें।
इसी तरह इसी शेप की पूड़ियाँ बेलेंगे हम। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और पूरी एक एक कर तल लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी भी पूड़ी बेलना है। ये पूड़ी अच्छे से फूलना चाहिए, इसीलिए आप इस चाकू का भी उपयोग कर सकते हो इसे फुलाने के लिए, चम्मच भी यूज़ कर सकते हो। हमारी पूड़ी अच्छे से फूल चुकी है, हम इसे पलटेंगे। अच्छे से ब्राउन कलर की भुनना है, तलना है हमें इसे अच्छे से। पूरी तरह से अच्छे से ब्राउन कलर के होने तक के हमें इसे तलना है। हमारी पूरी अच्छे से तल चुकी है ब्राउन कलर की, गोल्डन ब्राउन कलर की हमने इसे तला है। अब दूसरी पूड़ी हम बेलकर इसी तरह से डालेंगे तेल में, और हम उसी तरह से पेड़ा ये लेकर तीसरी पूड़ी भी अच्छे से बेलेंगे। ये पूड़ी भी हम अच्छे से फुलाएंगे तेल के अंदर। मिडिल फ्लेम पर ही रखना है हमें पावर, ताकि ये अच्छे से अंदर तक के तल सके। इसी तरह से हम तीसरी पूड़ी भी तल लेंगे। इस तरह से हमारी तीसरी पूड़ी भी अच्छे से तल चुकी है। हमें इस तरह से भी तेल डालकर उसे अच्छे से फुगाते आती है हमें पूड़ी को। देखिए कितनी अच्छी हमारी पूड़ी फूक चुकी है, कितना कलर सुंदर आया है। ये मैंने दो चमकोरे के पत्ते तोड़े हैं मेरे गार्डन से, इसे मैंने इमली के पानी में भिगो कर रखा था। इसके हम पकौड़े बनाएंगे। इस तरह से पत्ते छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है, इमली के पानी में भिगाने से चमकोरे के पत्ते गले में खराश नहीं देते हैं। अब ये टुकड़े हमें बेसन के आटे में अच्छे से लपेट कर इसके पकोड़े बनाना है। इस तरह से बेसन में हमें इसे पूरी तरह से लपेटना है, गरम तेल में इसे डालना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, ऐसे धीरे धीरे हम पकोड़े डालेंगे इसके अंदर। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, पत्ते आटे में लपेटना है और तेल में डालना है। तेल गैस का पावर मीडियम रखना है हमें, और अच्छे से इसे पूरी तरह से ब्राउन होने तक के अच्छे से तलना है पकौड़ों को। ये पकौड़े अच्छे से तल चुके हैं हमारे ब्राउन कलर में, इसे निकालते हैं हम साइड में। उसी तरह ये भी पूरे पत्तों के हम पकोड़े बना लेते हैं। उसी तरह लपेटना है ये पकोड़े के लिए, पत्ते डालेंगे गरम तेल में। उसी तरह पूरे पकोड़े डालकर हमें अच्छे से तलना है इसे। मीडियम पावर पे हमारा गैस है, इसी तरह हमें आराम से इसे पूरी तरह से अच्छे से तलकर निकालना है।
दूसरा बैचेस भी हमारा निकल रहा है पकौड़ों का। ये बन चुके हैं हमारे पकौड़े, इसे साइड में निकाल कर रखते हैं। अब एक थाली में परोसते हमारा पूरा खाना। पहले हम सबसे पूड़ी निकालेंगे थाली के अंदर, गोल्डन वाली पूरी हमारी तली हुई गर्मा गर्म थाली में निकालते हैं। अब हम सब्जी निकालते हैं आलू मटर की, आलू मटर टमाटर की सब्जी निकालते हैं। अब हम निकालते हैं खीर निकालते हैं कटोरी में। इसमें गार्निश के लिए हम बादाम डालेंगे। अब हम निकालेंगे रायता ककड़ी का, ककड़ी और दही का रायता हमने बनाया हुआ है वो निकालेंगे हम। अब हम मसाला भात निकालेंगे, हमारा पुलाव तैयार है। और एक पूड़ी रखते हैं हम इस थाली में। अब हम इसमें पकोड़े रखते हैं, चमकोरे के पत्ते के पकोड़े हम थाली में रखते हैं। अब हम इसमें हमारा कैरी का अचार निकालते हैं, चटपटा कैरी का अचार हमारा। तो ये आज की थाली तैयार है दोस्तों, खाने के लिए रेडी है। इसे हम नैवेद्य के लिए रखेंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आज की थाली गुड़ी पड़वा की कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तब नए वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।